मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं itfixertv। दुनिया भर से आईटी की खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहली खबर आपको देते चलें कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो पैदा हुई है वो ऑनलाइन मीटिंग्स की हुई है, जिसके अंदर जूम सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि जूम देता है आपको 100 यूज़र के लिए बिल्कुल फ्री पैकेज। जहाँ जूम की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पैदा हुई है, वहाँ पर जूम के अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी कंसर्न भी सामने आए हैं। जूम की मीटिंग आईडीज़ को हैक करके मीटिंग में ऐड हो जाते हैं और आपकी मीटिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके बावजूद लोगों के पास कुछ और ऑप्शन भी हैं कि अगर वो गूगल हैंगआउट्स या गूगल मीट यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल हैंगआउट्स बिल्कुल फ्री है वो भी, लेकिन गूगल मीट जो है उसके पेड पैकेजेस हैं। लेकिन गूगल की तरफ से एक स्पेशल ऑफर दी गई है कि वो 90 डेज के लिए उन्होंने पेड फीचर में से कुछ फीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने के लिए देती हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि सोफोस ने रिमोट एक्सेस VPNs के लिए 90 डेज के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस इशू कर दिए हैं। अगर आप रिमोट VPN यूज़ करना चाहते हैं तो सोफो की वर्चुअल अप्लायंस डाउनलोड करके उसके ऊपर 90 डेज का फ्री सॉफ्टवेयर आप रिमोट एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। जो लोग गैर तस्दीकशुदा पोस्ट कोरोना वायरस से रिलेटेड फेसबुक के ऊपर शेयर करते हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि फेसबुक ने इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है और जितनी भी इस तरह की पोस्ट मिलेंगी उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाएंगे। अगली खबर देते हैं आपको गूगल की मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। गूगल आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है आपके जीमेल अकाउंट्स के ऊपर। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको SMS रिसीव होता है आपके सिम के ऊपर, जहाँ पे आपको एक कोड मिलता है। वो कोड आप अपने लॉगिन स्क्रीन के ऊपर एंटर करते हैं तो आप लॉगिन हो सकते हैं अपने अकाउंट में। लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर जब सिम स्वैपिंग का इशू आया था, सिम स्वैपिंग में ये होता है कि आपको एक दूसरा आपके सिम जो है डुप्लीकेट सिम बना लेता है और आपका कोड जो एक्सेस करके आपके अकाउंट तक एक्सेस कर लेता है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए गूगल ने आपके सिम स्वैपिंग के इशू को रिजॉल्व करने के लिए सिम की बजाय अब आपके अकाउंट को आपके मोबाइल डिवाइस के साथ लिंक कर दिया है। अब आपको SMS या नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस के ऊपर मिलेगा, ना कि आपको सिम पे। इसके साथ साथ गूगल के रिसर्चर्स इस काम पे लग गए हैं कि वो COVID-19 या कोरोना वायरस डिजीज के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी पिछले 2 से 3 वीक के अंदर जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं COVID-19 के ऊपर उसको इकट्ठा करें और जितने भी लोगों ने रिव्यूज फीडबैक दिए हैं, डॉक्टर पैरामेडिक्स जितने भी लोगों ने दिए हैं, उन सबको इकट्ठा करके मेडिकल रिसर्चेज के हवाले किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो मिलें सबसे पहले।